यूपी में अब मोदी नहीं सिर्फ योगी योगी ही होंगे। अब यूपी में नहीं दिखेगा मोदी का चेहरा, अकेले ही होगा योगी का चेहरा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और सूबे का सियासी तापमान अभी से चढ़ चुका है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का दौर गर्म है। मुख्यमंत्री योगी को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि योगी बदले जाएंगे, लेकिन अब पासा पलट गया है। अब चुनाव का चेहरा सिर्फ योगी ही होंगे, यानी चुनाव में सूबा पोस्टरों से तो पटा होगा लेकिन उसमें मोदी का चेहरा नहीं होगा। दरअसल सत्ता के केंद्र दिल्ली में भाजपा के भविष्य की सियासत का मास्टर प्लान करीब करीब तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की बैठक में साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला किया गया। इससे भी महत्वपूर्ण निर्णय ये माना जा सकता है कि यूपी और दूसरे 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होंगे। संघ में चली लंबी मंत्रणाओं के दौर के बाद ये सामने आया है कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ। ये खामियाजा पश्चिमी बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में देखने को मिल चुका है। 2 दिन चली बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत सिर्फ 1 दिन के लिए ही रहे और वे नागपुर से दिल्ली आकर फिर नागपुर लौट गए। संघ की इस बैठक में क्षेत्रीय मुख्यालयों के प्रभारी और अन्य जिम्मेदारियों पर भी निर्णय किए गए हैं। इसमें सबसे अहम है सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले का मुख्यालय नागपुर की बजाय लखनऊ होगा। पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी, प्रधानमंत्री मोदी और सर संघ चालक भागवत के बीच तालमेल बिठाएंगे और दिल्ली में ही रहेंगे। संघ की ये वानगी भी यूपी में दिखाई देने लगी है। योगी अपने तेवर दिखा रहे हैं। कैबिनेट की फेरबदल योगी ने रोकी है और पिछले दिनों प्रदेश भाजपा में नमामि गंगे की सफलता का एक प्रचार जारी किया जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं लगाई गई। नमामि गंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहां तक कि अब यूपी भाजपा के पेज से भी मोदी की तस्वीर हटा दी गई है, यानी अब साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के पोस्टर पर योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को ही जगह दी जाएगी। ऐसे में भाजपा और संघ का यह नया प्रयोग कितना कामयाब होता है वो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा केंद्रीय नेतृत्व इसे कितना पचा पाता है ये भी देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।